स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल इज एक्टेड अपॉन बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स विच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पर क्या करना है कि एक टेबल बना लो पहले तो, और इस टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पर हमने लगा दिया एक कॉन्स्टेंट फोर्स, सपोज करो कि एफ, जो इसको आगे ले जाएगा। फ्रिक्शन यहाँ पे लेना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे कि देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो ये जो कांस्टेंट फोर्स एफ है ये सीधा इसको आगे ले जाना चाहेगा। ए ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर द वर्क डन ऑन द पार्टिकल डब्ल्यू अगेंस्ट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वी। तो हमें क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है ये वर्क और वेलोसिटी जो है इसका, उसके बीच का ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ, वर्क और स्पीड के बीच का ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, और बताना है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको ये बताया गया था कि जो भी टोटल वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड टोटल वर्क यहाँ पे केवल यही फोर्स जो है यहाँ टोटल वर्क कर रहा है, और इसके अलावा फ्रिक्शन नहीं है, तो इस वजह से टोटल वर्क बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो था, इसीलिए केवल हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो W है वो किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल आ गया है। तो वर्क इक्वल टू आ चुका है हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर आप W और V के बीच का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आपको इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना पड़ेगा, वाई इक्वल टू फोर ए एक्स स्क्वायर, जहां पर वाई की जगह पर डब्ल्यू है और एक्स स्क्वायर की जगह पे वी है, ठीक है। और ये है कॉन्स्टेंट हाफ एम के जगह पर, हाफ एम के जगह पर, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये y इक्वल टू फोर ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा, और y इक्वल टू फोर ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो इसमें से अगर आप इस पार्ट को निकाल के देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर फोर सही दिखेगा कि w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर या फिर y इक्वल टू फोर ए एक्स स्क्वायर, ये दोनों का ग्राफ कुछ ऐसा अपवर्ड पाराबोला हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दिस विल बी एन अपवर्ड पाराबोला। सो अपवर्ड पाराबोला का ये ग्राफ होगा, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर फोर इस केस में सही हो जाएगा। थैंक यू।